एक छोटी सी परी थी ना, बहुत शरारती थी, किसी की भी बात नहीं मानती थी। और ये लाइट को क्या हो गया? मैं देखता हूं। बाकी घरों में तो लाइट है, लगता है फ्यूज गया होगा। हाँ। मैं आता हूं अभी। छोटा सा परिवार, पति पत्नी और एक मासूम बच्ची, लेकिन इन तीनों की जिंदगी में अचानक ये कैसा तूफान आ गया। एक महिला पूरी साजिश के साथ इनके घर में घुसी और अब वो इन तीनों को जान से मार डालना चाहती थी। इस परिवार पर हुआ ये हमला कई सवाल खड़े कर रहा था। जिस तरह से हमलावर महिला ने घर की लाइट ऑफ की और उसके बाद अंधेरे में ही बड़ी आसानी से बेडरूम तक पहुंच गई, उससे साफ जाहिर था कि वो महिला इस घर से अच्छी तरह वाकिफ थी। शायद इसीलिए इस परिवार को पता भी नहीं चला कि इनकी जिंदगी पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा था। आखिर कौन थी ये महिला और इस वारदात को अंजाम देने के पीछे इसका मकसद क्या था? आइए देखते हैं। Yes? जी वो रिया है। आप रिया की फ्रेंड है क्या? जी नहीं, मुझे सरिता दीदी ने भेजा है अब वो बेबी की देखरेख करने के लिए। वैसे आपको देख के लगता नहीं है कि आप बेबी सिटर हो। आओ। टीना, सीधी खड़ी रहो। रिया, ये बेबी के लिए आई है। सॉरी, मैं तुम्हारा नाम पूछना भूल गया। जी मेरा नाम कामना है, मुझे सरिता ने भेजा है। इससे पहले कहाँ काम करती थी तुम? जी वो मैं नेहरू प्लेस में एक NRI फैमिली के घर पे काम करती थी। वो लोग इंग्लैंड चले गए तो इसलिए अब मैं फ्री हूँ। ये लड़की एक मिनट सीधी खड़ी नहीं रह सकती। अच्छा तुमने कहाँ तक पढ़ाई की है? जी वो मैं 12th class पास हूँ। शादीशुदा हो? जी नहीं। मैं तुम्हें काम पे रख लूंगी, पर हाँ पहले एक हफ्ता मैं तुम्हारा काम देखूंगी, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो कंटिन्यू करूंगी। ठीक है? कामना कैसी है? मैं ठीक हूँ। अच्छा, तेरे चेहरे की हंसी बता रही है कि तुझे यहाँ काम मिल गया है। हाँ हाँ, काम तो मिल गया है, लेकिन तुझे पता है यहाँ के जो साहब है ना, बड़े हैंडसम है। चल पागल, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? कुछ नहीं। अच्छा देख, तुझे मेरे कहने से यहाँ नौकरी मिल गई, कुछ गड़बड़ मत करना। हाँ नहीं। इना, आज मैंने तुम्हारे स्कूल के लिए 2 चोटी वाला नया हेयर स्टाइल बनाया है, अब से मैं तुम्हारे लिए रोज स्कूल के लिए नया हेयर स्टाइल बनाया करूंगी। थैंक यू आंटी, कल आपने जो पप वाला हेयर स्टाइल किया था ना, उसके लिए मेरी टीचर बहुत तारीफ कर लेती। अच्छा तेरा बेटा, आप नाश्ता। मैडम जी,
मुझे ये 500 रुपए मिले। रिया, ये जरूर तुम्हारा होगा, तुम अपना पर्स हमेशा लापरवाही से रखती हो। टीना, कल तू मेरे पर्स के साथ घर घर खेल रही थी ना, आइंदा से मेरे पर्स को हाथ भी लगाया ना तो देखना, समझी? मैडम जी, बच्चों से ऐसे बात नहीं करते, बच्चों का दिल तो बहुत कोमल होता है। रुको रिया, भूल गई, तुम्हारी कार गैराज में, आज मुझे तुमको ड्रॉप करना है। चलो। टीना बेटा, तुम्हें नाश्ता नहीं करना? मैंने तुम्हारे लिए टिफिन पैक किया है, तुम स्कूल में ध्यान से खा लेना, ठीक है? चलो। पुनीत, तुम्हें ये लड़की कैसी लगी? कौन सी लड़की? अरे ये अपनी नई मेट कामना, और कौन? हाँ, अच्छी है, देखने में भी सुंदर है, वैसे बड़ा बन ठन के रहती है। पुनीत, मैं इसके काम की बात कर रही हूँ और तुम इसकी तारीफ करने लगे? I'm just joking, sweetheart. वैसे तुमने ये पूछा था कि लड़की कैसी है, ये नहीं पूछा था उसका काम कैसा है। What? पुनीत, तुम भी ना वैसे मुझे बहुत अच्छी लगी, ईमानदार भी है, उसे ही कंटिन्यू कर लेते हैं। हाँ भाई, कर लो। यार तुम्हारी नजर तो बहुत तेज है, मैं इतने सालों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ पर आज तक मुझे कभी 500 का नोट नहीं मिला। क्यों, तेरा दिल क्यों जल रहा है? 500 रुपए का नोट एक जब मैंने गया इसलिए। क्या कहा तूने? तुझे मैं चोर दिखता हूँ? तुझे पता है कितने सालों से मैं काम कर रहा हूँ और तू मेरी ईमानदारी में सवाल उठा रही है? अरे तू बुरा मान गया, मैं तो मजाक कर रही थी। मुझ के पाओ ना, मानने में दिख जाते हैं। और जो तू ये सब ड्रामे कर रही है ना, दिखावटी ड्रामे, सब समझ रहा हूँ मैं। माधव, तू ना अपनी हद में रह, समझा? अच्छा, अब तू मुझे मेरी हद बताएगी? तुझे पता है उससे पहले यहाँ पे कितनी और कितनी चली गई, और एक बात याद रखनी, वो भी 4 दिन से ज्यादा टिकने वाली नहीं है। ओहो, मैं तो डर गई। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तुम और माधव सेम वॉशरूम यूज करते हो? नहीं मैडम जी, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है बेटा, चलो सोने, बहुत रात हो गई है, चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी सोने, जब तक पापा प्रॉमिस ना करे वो हम लोग को वाटर पार्क लेके जाएंगे, जब तक मैं नहीं जाऊंगी सोने। टीना बेटा, पापा आपको प्रॉमिस करते हैं कि वाटर पार्क जरूर लेके जाएंगे। हाँ चलो। लेकिन मैंने
कोशिश करिए साहब। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी माधव। नहीं साहब, सब बात समझने की कोशिश करो साहब, ये मुझे फंसा रही है साहब, सब सच कह रहा हूं साहब। अच्छा तूने कुछ नहीं किया, फिर मैं क्या झूठ बोल रही हूँ साहब? मैं इस घर में नहीं रह सकती अब, अगर ये रहा मेरे साथ तो फिर ये फिर से। नहीं साहब, इस झूठ के नहीं साहब। नहीं करना, तुम डरो मत, गलती इसकी है, मैं अभी पुलिस को बुला। नहीं साहब, साहब पुलिस के बाद बुला साहब, साहब मैं आपके हाथ जोड़ता साहब पुलिस के बाद बुला साहब, ये मुझे फंसा रही है साहब, साहब कहाँ है मेरे छोटे छोटे बच्चे साहब, पता नहीं क्यों फंसा रही है मुझे साहब ये। तो अभी के अभी निकल जाए इस घर से, तेरे जैसे घटिया इंसान की इस घर में कोई जरूरत नहीं है। मैडम मैं कसम खा रहा हूँ, मैडम मैं बेकसूर हूँ, लड़की मुझे फंसा रही है मैडम, इतने सालों से मैंने आपके घर में काम किया है मैडम, ये झूठ बोल रही है मैडम। इतने सालों से काम किया है इसलिए पुलिस को नहीं बुला रहा हूँ, चल सब चल निकल जा यहाँ से, निकल जा यहाँ से, चल चल चल। चुप हो जाओ। जब भी दो पक्षों में कोई विवाद हो या फिर बात आरोप प्रत्यारोप की हो तो दोनों पक्षों की बात पूरे ध्यान से सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और फिर परखनी चाहिए। लेकिन यहां तो रिया और पुनीत ने माधव की एक भी नहीं सुनी। कामना ने यह पूरी साजिश कुछ इस तरह से रची कि उनके सामने माधव दोषी साबित हो गया। माधव को दोषी मानने से पहले पुनीत और रिया ने एक बार यह भी नहीं सोचा कि माधव उनके यहां बरसों से काम कर रहा था, भरोसेमंद था और उसके रहते पहले कभी ऐसी कोई परेशानी खड़ी नहीं हुई थी। उन्होंने कामना पर भरोसा करना ज्यादा ठीक समझा, वो कामना जिसकी पिछली जिंदगी के बारे में वो लोग कुछ भी नहीं जानते थे। इस केस में कामना ने जो कुछ भी किया उससे साफ जाहिर था कि उसका मकसद सिर्फ माधव को निकलवाना नहीं था बल्कि उसके इरादे इससे कहीं ज्यादा खतरनाक थे। आखिर आने वाला वक्त इस खुशहाल परिवार की जिंदगी में और क्या मुसीबतें लेकर आने वाला था। मैडम जी, साहब मैंने सुबह का नाश्ता तैयार कर दिया है, आप दोनों नीचे आ जाइए, टीना भी आपका नाश्ते पर नीचे इंतजार कर रही है। नाश्ता? अरे कामना, ये सब काम तुम्हारा थोड़ी ना है। साहब अब से मैं टीना की देखरेख के साथ घर का सारा काम भी कर दिया करूंगी। ठीक है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे। अरे नहीं मैडम जी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, आपने मुझे इतनी इज्जत दी वो ही काफी है। देखो अगर तुम माधव का काम भी करोगी तो तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे लेने पड़ेंगे। हाँ नहीं साहब, मैं ये सब सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि माधव के सामने आपने मेरा साथ दिया, मेरे लिए वो ही काफी है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे नौकरानी नहीं बल्कि अपने इस परिवार का एक हिस्सा समझते हैं और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप दोनों नीचे आ जाइए। पापा आज आप मुझे वाटर पार्क लेके चल रहे हो ना, याद है ना आपने कल मुझे प्रॉमिस किया था। बेटा मम्मा पापा की तो कल भी छुट्टी है, हम आपको कल वाटर पार्क लेके जाएंगे, आज मम्मा पापा फिल्म देखने जा रहे हैं। मम्मी मैं भी चलूंगी मूवी देखने। हम कार्टून फिल्म देखने नहीं जा रहे, आज आप पूरा दिन घर पे ही रहोगे और काम या आंटी के साथ स्टडीज करोगे। नहीं मैं भी चलूंगी मूवी देखने, कहा ना बच्चों वाली फिल्म नहीं है, घर पे ही रहो और अब कोई आर्गुमेंट नहीं, समझी? चलो नाश्ता करो। टीना बेटा मुझे किसी से बात नहीं आनी। पर आप तो अपनी मम्मी से नाराज हो ना, तो फिर मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैं तो आपसे बहुत सारा प्यार करती हूँ। आपको अपनी मम्मी पापा की तरह बाहर घूमने जाना है ना, चलो मैं आपको लेकर चलती हूँ। पर आप मम्मा से पूछोगे तो मम्मा आपको मना कर देगी। आपके मम्मा पापा 4 से 5 घंटे के बाद ही आएंगे, तब तक हम घूम कर वापस भी आ जाएंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। सच्ची? पर हम कहाँ घूमने जाएंगे? ये मैं आपको नहीं बताऊंगी। चलो 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 चलो।
चलो 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 चलो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आ जा जल्दी। आज हम लोग ने कितनी सारी मस्ती की है ना, बहुत मजा आया ना। पता है तुम्हें, मैंने तो कभी ऐसी गंदी मम्मी देखी ही नहीं जो इतना डांटती है और अपने बच्चे को प्यार भी नहीं करती और घुमाने भी नहीं लेके जाती। तुम्हें बुरा नहीं लगता? बहुत बुरा लगता है। तुम्हें पता है जो अच्छी मम्मी होती है ना, वो अपने बच्चे को बाहर घुमाने लेके जाती है, घर पे अकेला नहीं छोड़ती, आइसक्रीम भी दिलाती है, पार्क में झूले भी झुलाती है और ढेर सारी मस्ती करवाती है। ऐसे तो आप हो। टीना, तुम ना इस बारे में अपने मम्मी पापा को कुछ मत बोलना कि मैं तुम्हें बाहर घुमाने लेके आई थी। ये हमारा छोटा सा सीक्रेट है। अगर तुमने घर पे मम्मी पापा को बताया ना, तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। ये सीक्रेट बात मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। सच्ची? सच्ची। ये। आज मुझे मेरी माँ की साड़ी दिखी तो मेरा पहनने का मन हो गया। मैं कैसी लग रही हूँ? नहीं यार, मैं नहीं आ पाऊंगा। अरे नहीं, क्लब नहीं, वो रिया का टूर है ना। हाँ, वो टूर पे 4 दिन के लिए। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। पुनीत जल्दी चलो, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हूँ, और प्लीज जल्दी चलो वरना मेरी फ्लाइट पक्का मिस हो जाएगी। क्या बात है काव्या, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। फ्लाइट मिस नहीं होगी। साहब आप ना तेजी से गाड़ी चलाना, मैडम जी की फ्लाइट मिस हो गई तो बहुत नुकसान होगा ना। अच्छा पुनीत, पेपर बाद में पढ़ लेना, प्लीज अभी चलो। काम करेगी यहाँ पर? तू कहीं जा रही? नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही, लेकिन वो रिया है ना, वो जा रही है। क्या मतलब, तू कहना क्या चाहती है? मतलब ये कि पुनीत मुझसे प्यार करते हैं और टीना, टीना मुझे मम्मी मानती है। तू पागल हो गई है? पुनीत साहब शादीशुदा है। तो शादीशुदा लोगों का तलाक नहीं होता क्या? देख कामना, ज्यादा हवा में मत। तो ये क्या लगता है कि वो तेरे लिए अपनी बीवी को तलाक देंगे? हाँ दे देंगे, और अगर वो नहीं देंगे तो उनकी बीवी उन्हें तलाक दे देगी। देख कामना, तुझे मेरे कहने पे यहाँ पे काम मिला है, अगर तूने यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ करी तेरे साथ साथ मेरा भी नाम खराब होगा ना। कुछ नहीं होगा, तू फिक्र मत कर, तू सिर्फ चाय पी, मुझे भी जाना है अपनी बेटी को लेने। राजकुमारी की माँ उसे बहुत डांटती थी, खुद घूमने चली जाती थी और राजकुमारी को घर में बंद रखती थी। फिर एक दिन राजकुमारी ने सोचा कि मेरी मम्मी ऐसी क्यों है, तो पता है उसे क्या पता चला? क्या पता चला? उस राजकुमारी को पता चला कि रानी उसकी असली माँ नहीं है। तो आंटी, मेरी मम्मी भी राजकुमारी की तरह डांटती थी,
तो मेरी मम्मी मम्मी नहीं है। अगर तुम मुझे प्रॉमिस करोगी तो ही मैं तुम्हें बताऊंगी। व्हाट प्रॉमिस? मैं कैसे कभी नहीं बताऊंगी, प्लीज बताओ ना। ठीक है, लेकिन अगर तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा तो तुम्हारे पापा मर जाएंगे। नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, प्लीज बताओ। सच्ची नहीं बताओगी? सच्ची नहीं बताऊंगी। ठीक है, तुम प्रॉमिस कर रही हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, तुम्हारी असली मम्मी मैं हूँ। सच्ची? और अगर तुम मेरा साथ दोगी ना तो हम तुम्हारी नकली मम्मी को इस घर से बाहर निकाल कर सकते हैं और फिर मैं तुम्हारे पापा की लाइफ में फिर से आ जाऊंगी तुम्हारी असली मम्मी बनकर। और जब तक हम ऐसा नहीं कर लेते तब तक तुम अपनी असली मम्मी से बात मत करना, तब तक तुम मुझे सबके सामने मम्मी मत कहना, ठीक है? लेकिन तुम मुझे अकेले में मम्मी बोल सकती हो। कामना टीना की इसी मासूमियत का फायदा उठाकर उसके मन में उसकी माँ के खिलाफ जहर भर रही थी। बच्चों का मन बेहद कोमल होता है, हम उन्हें जो सिखा दें समझा दें उसे ही वो सच मान बैठते हैं। और टीना की तो अभी उम्र ही वो थी जहाँ बच्चे राजकुमारियों और परियों की कथाओं को भी सच ही समझते हैं। कामना को टीना की देखभाल के लिए रखा गया था लेकिन वो उसके मन में प्यार और ममता के बजाय नफरत के बीच बो रही थी, जो कि बेहद घिनौना काम था। लेकिन कामना जैसी आपराधिक मानसिकता वाले लोग अपनी इच्छाओं अपने लालच को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। अपने बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी किसी और पर छोड़ देने से हम उस जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाते हैं। माता पिता होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि जिस किसी को भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं उस पर निगाह भी रखें। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा था। रिया और पुनीत कामना पर आंख बूंद कर विश्वास करते थे और कामना उनके साथ विश्वासघात कर रही थी, लेकिन अब वो ऐसा कुछ करने जा रही थी जिससे ये परिवार एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला था। टीना, हम एक गेम खेलते हैं, ठीक है? इस पे खड़े हो जाओ जल्दी से। अब देखो, मैं इसे बंद कर रही हूँ, तुम धीरे धीरे 1 से 20 तक गिनती गिनना और फिर इसे खोल देना, ठीक है? कामना, एक बाल्टी पानी देना, पानी चला गया है। तुम गिनती गिनना शुरू करो, मैं भी आती हूँ। 1, 2 साहब, ये बाल्टी पानी की ले लो। हाँ, मैं आता हूँ। साहब, मैं बाल्टी अंदर रख देती हूँ ना। नहीं नहीं, मैं रख लूंगा ना खुद। साहब, आपके मुंह पे साबुन लगा है और आपको कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो मैं आपका मुंह धुलवा देती हूँ और बाल्टी भी अंदर रख देती हूँ। जरा आप पीछे हटिए। हो जाएगी ना।
जा रहा है। आपके पापा पर काला जादू कर रखा है और उसे इस घर से बाहर निकालने के लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा।
लगा दी दरवाजा खोलने में? वो मेरी नींद नहीं खुली। और ये पुनीत कहाँ है? वो शायद ऊपर सो रहे होंगे। आपके लिए चाय बना दूँ? नहीं, मुझे 2 घंटे सोकर फिर से ऑफिस जाना है, तब बनाना। पुनीत उठो, पुनीत उठो। भैया एयरपोर्ट से आ गई तुम? हाँ आ गई, तुम तो आए नहीं रिसीव करने। सॉरी भैया, वो अलार्म का पता ही नहीं चला। और तुम्हारा फोन, वो तुमने स्विच ऑफ कर दिया ताकि मैं तुम्हें फोन भी ना कर सकूं। खैर, तुमसे बहस करके ना मुझे अपना दिमाग खराब नहीं करना। पुनीत, हमारे बेडरूम के पिलो से ये बाल मिले हैं। बाल? कौन आया था घर पे? कौन सा बाल? ये बाल। मैडम जी, ये बाल मेरा है, वो मैं ऊपर सफाई कर रही थी ना, तभी गिर गया होगा। पर पुनीत, तुम मेरे सामने आए बेडरूम से, तो तुम ऊपर कब गई रूम साफ करने? सच सच बताओ, क्या चल रहा था यहाँ मेरी एब्सेंस में? ये क्या बोल रही हो तुम? वही जो दिख रहा है। और ये क्या है पुनीत? क्या क्या है? अपनी गर्दन पर देखो, लंबाई का निशान है। अरे किसी मच्छर ने काटा होगा, तुम क्यों इतना शक कर रही हो? हाँ मैडम जी, आप तो सांप पे बिना बात के शक कर रहे हो। वो तो अपने कमरे में अकेले ही थे, उनके साथ कोई भी नहीं था। और तुम्हारी कलाई में चोट कैसे आई? ये तो मैं सफाई कर रही थी तो चूड़ी टूट गई होगी, बस तभी लग गया। मुझे सब समझ आता है भैया। साहब आप 1 मिनट रुको, मैं देखती। अरे मैडम जी, वो क्या? वो कल यहाँ सफाई करते वक्त मेरी चूड़ी टूट गई थी, वही लेने आई। मुझे बेवकूफ बना रही है? सच सच बता, मेरे पीठ पीछे क्या हुआ था यहाँ? अरे मैडम जी, आप गलत समझ रहे हो, साहब और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। मतलब मैं जो सोच रही थी वो सही है? पुनीत, मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी, और तू अभी के अभी चल मेरे साथ। अरे लेकिन मैडम जी, मेरी बात सुनिए। रिया, रिया, रिया मेरी बात तो सुनो। मैडम जी मैंने कुछ नहीं किया। अरे रिया, अभी क्या भी निकल गया। रिया रुको जरा, रिया मैं कह रहा हूँ। साहब, साहब आप समझाओ ना मैडम जी को। यार देखो, समझदारी से काम लो। ये क्यों ये पागलों जैसी हरकत कर रही हो? हाँ पागल हो गई हूँ मैं, पागल हो गई हूँ जो तुम्हें इस औरत के साथ अकेला छोड़कर चली गई। यार तुम्हें गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओह, कौन सी गलत फहमी की बात कर रहे हो? सब कुछ दिख रहा है, वो भी साफ साफ। ये देखो इसके चेहरे पे लिपस्टिक का निशान, इसके बालों का हमारे बेडरूम में मिलना, की चूड़ियां, और तुम्हारे यहाँ पे लव बाइट। तो फिर किस गलतफहमी की बात कर रहे हो तुम? रिया तुम समझने की कोशिश करो, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच में। बहुत हो गया पुनीत, बस करो और तुम निकलो यहाँ से। छोड़ दो इन्हें। बेटा इसके पास मत जाओ, ये बहुत बुरी औरत है। नहीं आप बुरी हो, मैं सब जानती हूँ, आप मेरी मम्मी भी नहीं हो। कामना मम्मी ही मेरी असली मम्मी है, आप मेरी मम्मी नहीं हो। पापा कामना मम्मी को रोक लो ना प्लीज। क्या जहर भर दिया तुमने मेरी बेटी के दिमाग में? मैंने ही तेरी बेटी के दिमाग में जहर भरा है, क्योंकि ना तो अच्छी माँ बन सकती है और ना ही एक अच्छी बीवी। घर में 2 पैसे लाने से अच्छी माँ और बीवी नहीं बनते,
लेकिन मैं दोनों बन सकती हूँ, समझी? और टीना, टीना सिर्फ मुझसे प्यार करती है और पुनीत भी मुझे से प्यार करते हैं। लेकिन तुझसे कहने से डरते हैं। अरे क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो तुम? पुनीत, बहुत हो गया, पर तुम नहीं चला गई अभी। टीना, बेटा आप यहीं पे बैठना, मामा आपके लिए दूध लेके आती है, ठीक है? रिया, रिया देखो मेरी बात सुनो, रिया, रिया देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम जो सोच रही हो वो सब गलत है। मैं सब समझ रही हूँ, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी, तुम और एक नौकरानी के साथ। छी, चुप, एकदम चुप, गुस्से में तुम कुछ भी बोले जा रही हो। कामना ने जानबूझकर हमारे बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की, गलत वो है और तुम बेवकूफ बनकर उसकी बातों में आ रही हो। पागल नहीं हूं मैं। तो फिर ये पागलपन क्यों कर रही हो? क्यों उस औरत की चाल में फंस रही हो? क्या तुम्हारा मुझ पे इतना भी यकीन नहीं है? हाँ देखो, कामना और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मेरी जिंदगी में तुम और टीना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कोई नहीं। अरे जरा समझदारी से काम लो। उसने टीना के मन में ये जहर भरा और फिर वो पिलो पे बाल का मिलना, फिर वो टूटी हुई चूड़ी और फिर मेरे गले पे लव बाइट, ये सब क्या था? ये सब इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे मन में जहर भर सके मेरे लिए, और कुछ नहीं। अच्छा तुम ही बताओ, क्या कभी ऐसा हुआ है कि मैं तुम्हें एयरपोर्ट लेने ना आया? हाँ तो फिर क्यों, जरा समझो। टीना बेटा, आप पापा से प्यार करते हो ना, तो पापा जो कहेंगे वही सच है। वो आंटी आपको प्यार नहीं करती, बल्कि आपकी मम्मा आपको प्यार करती है। अगर वो आपको डांटती हैं तो आपके अच्छे के लिए। हर मम्मी अपने बच्चों को डांटती है। पर कामना आंटी कहती है मेरी मम्मा बुरी है। नहीं बच्चा, वो झूठ बोलती है। टीना बेटा, मम्मा तो आपसे बहुत प्यार करती है, मैं आपको कभी नहीं डांटूंगी, मम्मा को माफ कर दो। मम्मा आप रो मत। पुनीत, हम कल ही घर के सारे लॉक्स चेंज करवा लेंगे, क्योंकि कामना के पास पुरानी कीज है। एक छोटी सी परी थी, वो ना बहुत शरारती थी, किसी की भी बात नहीं मानती थी। और ये लाइट को क्या हो गया? मैं देखता हूं। बाकी घरों में तो लाइट है, लगता है फ्यूज गया होगा। हाँ मैं आता हूं अभी। जाओगी तो पुनीत मुझे अपना लेंगे। रिया, पुलिस को कॉल करो।
पुनीत और रिया पर जानलेवा हमला करने के लिए और आपराधिक षड्यंत्र के लिए कामना को आईपीसी के सेक्शन 307 और 120 बी के तहत 12 साल कैद की सजा सुनाई गई। कामना अपनी साजिश में इस हद तक सफल हो पाई, इसकी सबसे बड़ी वजह रही पुनीत और रिया की असावधानी। अगर रिया और पुनीत ने कामना के बैकग्राउंड के बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल की होती, या फिर उस पर यूं विश्वास करने के बजाय उसके बर्ताव, उसके काम पर नजर रखी होती, तो आज इन सब मुसीबतों से शायद वो बच जाते। या फिर अगर माता पिता दोनों ने थोड़ा सा वक्त निकालकर अपनी बच्ची के मन की बात समझने की, जानने की कोशिश की होती, तो आज ये सब कुछ शायद ना हुआ होता। ये सही है कि अगर पति पत्नी दोनों ही काम करते हो तो फिर उनके लिए घर की बातों के लिए वक्त निकालना बेहद मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब बात अपनों से और खासकर अपने बच्चों से जुड़ी हो तो जरा सी भी लापरवाही ना बरते। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, जिम्मेदार बने। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ, क्योंकि अब सवाल है परिवार का। तो सावधान।